नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। दोस्तों आज हम सीखेंगे राग मालकोंस पर आधारित श्री राम धुन। राग मालकोंस की मैं बात करूँ तो दोस्तों अलग से मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाया हुआ है, और मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि राग मालकोंस है थाट भैरवी का है। इसमें वादी स्वर है वो मा होता है, समवादी इसमें सा होता है, और थाट भैरवी का है तो रे गा धानी कोमल रहेंगे। और बात करें कि इसमें आरोह और अवरोह दोनों में रे और पा जो सुर हैं दोनों वर्जित होते हैं, तो मैं इसका आरोह अवरोह आपको बिल्कुल स्लोली समझा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नी सा गा अब इसमें जब हम शुरू करेंगे तो हम इसको मंद्र सप्तक से शुरू करेंगे। धनी सा, और श्री राम ऐसे शुरू होगा। श्री श्री और राम दो शब्द हैं, दोनों को मैंने क्या किया, श्री श्री सा गा मा धा नी सा, और फिर राम में मैं मां तक वापस आ गया। देखिए बिल्कुल स्लोली, श्री आप अपने हिसाब से भी कैसे भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे भी पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें शुरुआत होगी तो फिर इस प्रकार से चलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, ये जो पैटर्न है श्री राम जय राम जय जय राम, ये पैटर्न को आप इसका एक अस्थाई मान लीजिए, यानी ये इसकी एक बेसिक चीज रहेगी, ठीक है। तो किस प्रकार से है बिल्कुल स्लो समझिए। श्री राम मा गा सा जय राम गा सा नी धा जय जय राम धानी सानी सा। वापस देखिए, श्री राम जय राम जय जय राम, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब इसमें जो ही चालू होगा तो यहां से हमारे जो ढोलक या तबले की बीट चालू हो जाएगी, और जो मैंने पहले पैटर्न बताए थे वो सिर्फ एक भूमिका बनाने के लिए है। श्री राम भूमिका बता रहा हूं दोबारा से, श्री राम श्री राम श्री राम, और फिर श्री राम श्री राम जय जय राम, ये इसका अस्थाई मान लीजिए। फिर उसके बाद में श्री राम जय जय राम, ये दूसरा चढ़ाव मान लीजिए। गामा दानी सा नी
धा नी सा नी धा मा। स्लो देखिए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और आपको पता है माँ और सा इसमें वादी है, तो हमारा अधिकतम जो ठहराव है वो हमारा ठहराव कहें या किसी चीज का अंत कहें, वो हमारा माँ और सा पे अधिकतम रहेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, वही श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये इसका अस्थाई हो गया। अब हमको क्या करना है कि आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आप इसको धीरे धीरे जो मैंने भूमिका बताई थी उस चीज को भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा और तार सप्तक में जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो मैं आपको एक दो पैटर्न बताता हूँ, इससे आपका और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यही जो पैटर्न है इसको हम थोड़ा सा वेरिएट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएंगे, या तो इसमें हम एक सुर एक्स्ट्रा यूज करेंगे राग के अलावा, जिसको हम बोलते हैं विवादी सुर। तो इसमें गा कोमल हमारा है, लेकिन गा शुद्ध का थोड़ा सा टच लेंगे, लगे तो पा का भी टच लेंगे। देखिए किस प्रकार से इफेक्ट आएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं सिर्फ गा कोमल को लिया है, श्री गा कोमल से शुरू किया है और गा शुद्ध का मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि गा शुद्ध राग मालकों में नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये लेकर के एक खूबसूरती बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, विवादी सुर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और फिर हमारी बीट उसी प्रकार से चलती जाएगी, श्री राम, श्री राम, श्री श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। हम कहीं भी घूमे, देखिए चाहे हम मंद्र सप्तक में घूमें, चाहे तार सप्तक में घूमें, कुछ भी पैटर्न यूज करें, लेकिन जब हम माँ पे आ जाएंगे तो हमारा वही चालू हो जाएगा। तो आप घूम के आइए और फिर वापस से श्री राम जय राम, जय जय राम, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें अलग अलग पैटर्न रहेंगे। अब ये जो है मंद्र सप्तक में भी आप आ सकते हैं, श्री राम, श्री राम, माँ है ये मंद्र सप्तक का, दोनों जो पैटर्न है उनको थोड़ा बहुत वेरिएशन किया उनको, और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मैं तार सप्तक में भी टच करके आता हूं, किस प्रकार से रिपीट कर रहा हूं। श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय जय राम।
गा शुद्ध का यूज करूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो आपको राग का आरोह अवरोह और उसका वादी संवादी पता होना चाहिए, और दूसरा क्या है, आप जितना राम धुन के रूप में घूम सकेंगे ना, तो एक आपको उस राग के साथ में ऐसी आपकी दोस्ती हो जाएगी कि पूछिए मत। तो इसलिए अपने हिसाब से भी आप एक से एक अच्छे जो पैटर्न है वो तैयार कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हम सुर वही रखें, अगर कोई हम एक्सीडेंटल नोट यूज करते हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि कौन सा हमने यूज किया है, लेकिन वो सुंदरता लेके आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास था, कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।